अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष। आज यहाँ पर हम खड़े हैं और सबसे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो आज मैं मुमरा वासियों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कम से कम 2 सालों से जो है हम लोक आयुक्त में इस बात की कंप्लेंट कर रहे थे, यानी मैं बात कर रही हूँ यहाँ के PWD इंजीनियर धनंजय गोसावी की, जहाँ पर हम लोगों ने ये बताया था कि ये सिविल सर्वेंट जो मोर देन 14 ईयर्स से मुमरा में काम कर रहे हैं, और अगर आप सिविल सर्विस का जो एक्ट देखोगे उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी भी क्लास 1-2 का जो ऑफिसर है वो 2 या 3 साल से ज़्यादा जो है वो काम नहीं कर सकता। तो उसके बावजूद भी ये धनंजय गोसावी जो है वो 14 सालों से मुमरा में काम कर रहे हैं, और अगर पूरे दिन भर लोगों के मसले सॉल्व करने के बाद, टोरेंट के मसले सॉल्व करने के बाद, आपको दिन के आखिर में अगर ये पता चलता है कि आपकी मेहनत रंग लाई, यानी आपने जो हम लोगों ने जो यानी मुस्लिम लीग ने जो है वो धनंजय गोसावी के खिलाफ जो है लोक आयुक्त में एक कंप्लेंट डाली थी, जहाँ पर हम लोगों ने 2 चार्जेस उनके ऊपर लगाए थे। सबसे पहला ये था कि वो मोर देन 14 ईयर से मुमरा में काम कर रहे हैं, दूसरी जो सिविल सर्विस एक्ट के खिलाफ है, दूसरा ये उनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस हमने लगवाए थे, लेकिन वो उसका जो है ऑर्डर आना अब बाकी है, उसके ऊपर अभी भी कार्रवाई चल रही है। पहला ऑर्डर आ गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात इसीलिए है क्योंकि उनके 14 साल के कार्यकाल में मुमरा में जो है डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आया। उनका काम ये था कि आप उनको प्लेग्राउंड बना कर दो, पब्लिक प्लेस पे पब्लिक टॉयलेट और मार्केट एरियाज दो, ये सारी चीज़ें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, रिक्शा स्टैंड, ये सारी चीज़ें चीज़ों का काम जो है वो धनंजय गोसावी का था। लेकिन उन्होंने वो न करते हुए हम लोगों ने कुछ जो इल्ज़ाम लगाए जो हमारे लेटर में मौजूद है, जो हम लोगों ने लोक आयुक्त में दिया है, उसमें हम लोगों ने बाकायदा ये मेंशन किया है कि ये इनका इन्वॉल्वमेंट बिल्डर लॉबी के साथ था और बाकी दिगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। खुशखबरी क्या है वो तो बताइए, आप क्या बताना चाह रही हैं? तो जैसे कि आपने मुझे कहा कि ब्रीफ कीजिए, मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। ब्रीफ करने के बाद मुमरा वालों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मुस्लिम लीग लेकर आई है, वो ये कि फाइनली लोक आयुक्त में किया हुआ, लोक आयुक्त में जो आप कह सकते हो कि एक पेटिशन दाखिल की गई थी धनंजय गोसावी के खिलाफ कि वो जो है मुमरा से चला जाए। वो मुमरा से जाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मुमरा का डेवलपमेंट चाहिए था हम लोग को। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज जो है धनंजय गोसावी का ट्रांसफ़र हो चुका है, बाकायदा इसकी नोटिस जारी हो चुकी है, और मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह की मदद है, ये मुमरा के लोगों का प्यार है, ये मुमरा के लोगों की दुआ है जो आज हम लोग ये काम को अंजाम दे पाए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके ही लेटर पर ये उनको ट्रांसफ़र किया गया है, क्योंकि जो ट्रांसफ़र हुआ है उसमें करीब 5 से 6 अधिकारियों का तबादला हुआ है जी। तो इसमें आपको क्या मनपा ने आधिकारिक तौर पर लिख के दिया है कि आपका जो लेटर आया था उसी पे हमने इनको ट्रांसफ़र किया? मैं दूसरी बात ये है कि सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि इनके ट्रांसफ़र के बारे में हर कोई जानता था कि यहाँ पर जो है वो 14 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया था। अगर किसी ने आवाज़ उठाया था वो तो सिर्फ मुस्लिम लीग, और हमारा केस लोक आयुक्त में चल रहा था पिछले 2 सालों से, और आज लास्ट हियरिंग होने वाली थी इस बारे में ही मैंने मुमरा में मतलब एक वीडियो के जरिए लोगों को बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि ये जो चीज़ें वो एक्सेप्ट हुई है कि भाई ये बंदा जो है वो मोर देन 14 ईयर से काम कर रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सिद्ध हो गई है, ये लेटर आना बाकी है, लेकिन ये लेटर जो है इशू हो चुका है कि इनका तबादला हो चुका है, और हमारे लिए ये खुशखबरी की बात है। आपके लिए, आपके लेटर पे क्या मनपा ने दिया है कि आप ये मनपा हमको नहीं देंगी, ये मनपा हमको नहीं देंगी, हमारा जो है वो लोक आयुक्त से है, वो हमको देंगी कि ये ऑर्डर हमने बताया क्या। लोक आयुक्त ने हम लोगों को ये बोला है कि आप लोगों का जो ये चार्जेस है वो सेकेंड चार्जेस, उसके ऊपर भी काम चल रहा है, लेकिन पहला चार्जेस वो है थाने महानगर पालिका से बात करके अब ये हो चुका है, क्योंकि इस वाले जो केस है इसके अंदर लोग मनपा अधिकारी धनंजय गोसावी का जो तबादला हुआ, हाँ। उसके बाद से हमको भी 2-3 पार्टी की तरफ से फोन आया कि भाई हमने भी लेटर डाला था, उनका तबादला हो गया। अच्छा, आप भी बोले लेटर डाला तबादला, तो किसके लेटर डाला होगा किसी ने, क्योंकि हमारे एक लेटर हर किसी ने डाला, हमने कराया, आप बोले हमने कराया। अरे एक बात बताओ, जिस भी किसी ने बताया, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक बंदा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं समझ गई, आप
वो बंदे को RTA के थ्रू एक लेटर मिला था कि भाई वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, इल्लीगल बोर्ड लगा हुआ है। वो बंदा 1.5 साल में वो बोर्ड नहीं निकलवा पाया, वो धनंजय गोसावी को निकालेंगे। हम लोगों ने, मुस्लिम लीग ने जो है बस स्टॉप पे से बैनर निकलवाया शमीम खान का, जो इल्लीगल था। ये इस बात के गवाह आप भी हो। अगर हम शमीम खान का बैनर निकलवा सकते हैं बस स्टॉप पे से, हम धनंजय गोसावी को भगा सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर हमारी सत्ता रहेगी तो हम टोरेंट को भी यहाँ से भगा सकते हैं। ये एक सब पुलिस है, इससे पहले भी गोसावी साहब गए थे लेकिन दोबारा वापस मुंद्रा शहर में उसको लेकर क्या होगा, किस तरीके से दोबारा वापस आ भी सकते हैं? नहीं, हम पूरी कोशिश अब ये करेंगे कि अब वो कभी ना, अब सीधा वो रिटायर हो जाए। अब ये रहेगा कि अब वो सीधा रिटायर हो जाए। उनकी ख्वाहिश थी, इसे कहीं से सुनने में आया था कि वो मुमरा से रिटायर होना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, और मैं नहीं चाहती कि ऐसे लोग मुमरा में रहे जिनकी वजह से मुमरा का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है कि गोसावी जाने के बाद कोई नया अधिकारी आएगा तो यहाँ पे डेवलपमेंट करेगा? अब उनको करना पड़ेगा, अब उनको 14 साल से जो गलती हुई है अब वो गलती वो शायद रिपीट नहीं करेगा। और हम जो है उनके ऊपर दबाव बनाएंगे कि अब हमको जो है जो चीज़ें हमारे लिए पास हुई है वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर चाहिए, और इंशाल्लाह वो करेंगे। और नहीं करें तो हम लोग हैं वहाँ पर दबाव देने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर एक एग्जाम्पल है कि अगर ये ऑफिसर यहाँ से जा सकता है तो कल को मैं भी जा सकता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है उनके लिए, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर वो भी काम करेंगे। अच्छा, आप बस स्टॉप का बार बार उदाहरण दे रहे हैं कि मैंने वहाँ पर जो बोर्ड था वो हटवाया, वहाँ पर जो लाइट जल रही थी लगल तेरे से वो हटाया, तो अभी वहाँ बस स्टॉप पर जो है काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो ऐसे में लाइट लगवाने की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर अंधेरा हो गया तो उसको लगवाया जाए। हाँ, तो क्या तो आप लगवाने तो के लिए कुछ क्या आपने ये बात पूछा जिसने भी निकाला, क्या आपने उसको ये पूछा कि आपने ये लाइट जो है अपनी पब्लिसिटी के लिए लगाई थी कि लोगों की फैसिलिटी के लिए लगाई थी? लाइट आपने निकलवाया ना? मैंने लाइट निकलवाई जरूर, लेकिन मैंने कहा लगवाना भी चाहिए। मैंने लाइट स्ट्रीट लाइट मैंने नहीं निकलवाई, मैंने स्ट्रीट लाइट नहीं निकलवाई, मैंने लाइट कहाँ की निकलवाई? मैंने कहा आपको पता है बस स्टॉप पे कैसी, आप ये बाहर का बोर्ड दिखिए, अभी ये वाली अगर ये लाइट मैं बंद कर दूं तो ये वाली लाइट ये वाली लाइट से किसको फायदा होगा बताइए मेरे को? जो बस स्टॉप पे लाइट थी वो आपने बंद, बस स्टॉप पे लाइट नहीं थी, बस स्टॉप पे बैनर के पीछे जो LED जो थी वो उनके नहीं थी, वो बस स्टॉप की लाइट नहीं थी, वो बस स्टॉप की लाइट नहीं थी। आपको कुछ करना चाहिए, लाइट जो है वो स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, और स्ट्रीट लाइट तो है रास्तों पर, फर्क है कहीं कहीं बंद है कहीं कहीं चालू है, वो मनपा की जिम्मेदारी है। लेकिन ना मैंने लाइट जो बंद करवाई वो उनकी इल्लीगल पब्लिसिटी के लिए जो लाइट थी मैंने वो बंद करवाई, मैंने पब्लिक लाइट नहीं बंद करवाई, मैंने कोई स्ट्रीट लाइट नहीं बंद करवाई। मैंने जो लाइट बंद करवाई हूँ वो लाइट जो है वो सिर्फ जो उनकी इल्लीगल पब्लिसिटी के लिए यूज हो रही थी, मैंने सिर्फ उसकी लाइट बंद करवाई। आप ऑफकोर्स निकल के करना ही है उसके लिए भी, लेकिन हम लोग हर काम कर रहे हैं। इस्लामुद्दीन भाई, आपने आप लोग ये ऐसे काउंटर क्वेश्चन आप NCP से क्यों नहीं करते? आप सत्ता करते नहीं, आप नहीं करते, आप सत्ता पार्टी से क्यों नहीं करते? आप उनको क्यों नहीं बोलते कि बाबा नहीं, आप उनको क्यों नहीं बोलते कि भाई वो तो हट गया, लेकिन आपने दूसरा कुछ इंतजाम किया कि नहीं उनके लिए? आप अगर पूछते हैं तो आज मुझे लगता है बुरा नहीं लगता है। मैं सिर्फ आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ कि भाई अगर आप कर रहे हो तो सवाल हर किसी से करना सीखो, हर किसी से करो। चलिए, मैं मानती हूँ मीडिया, और हर कोई मानता है मीडिया जो है वो चौथा पिलर होता है डेमोक्रेसी का पिलर होता है। और अगर वो सवाल करते हैं लाइट हटा दिए तो मैं अभी भी बोल रही हूँ मैंने इल्लीगल जो लाइट चल रही थी उनकी इल्लीगल पब्लिसिटी के लिए मैंने सिर्फ उसके ऊपर आवाज उठाई थी। मैं आज भी अपनी बातों के लिए कदम उठा रही, अगर आप कह रहे हो तो चलो आपके बोलने पर इंशाल्लाह मैं वो भी करने के लिए जाए। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, लाइट ऑलरेडी लगी हुई है वहाँ पर, और स्ट्रीट लाइट है, किसी भी बस स्टॉप पे वैसी लाइट नहीं लगी हुई थी कि जिसकी वजह से